सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल बढ़े होंगे। दोस्तों मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं शहबू जिम। सो गाइस, कल मैं आपको एक रुआ कैफे की एडिटिंग बताना सिखाई थी गाइस, जो कि आपको बहुत पसंद भी आई होगी। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत मैन होने वाला है, जो गाइस आपके लिए बहुत मैन होने वाला है। और वो कुछ नहीं, हमारे डिजर्ट ईगल का हेड शॉट। जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही है डिजर्ट ईगल का हेड शॉट कितने बुरे लगते हैं, लगते ही तो बंदा ख़त्म ही हो जाता है डायरेक्ट। अब चाहे वो मतलब गाइस कस्टम में जो बोले डिसेड ईगल जो है बहुत बुरी मतलब चीज़ें हैं, तो बहुत खतरनाक चलती है कस्टम में। अब मतलब गाइस जैसे भी हेड पे लगा तो बंदा ख़त्म है, चाहे वो मतलब हेलमेट हो या ना हो बंदा ख़त्म है। एक डिसेड ईगल एक ऐसी चीज़ है, अगर हेड शॉट मारो मतलब गाइस बॉडी में भी वो मार देती है, बॉडी में तो वो फार्मस से भी खतरनाक है, मानो ना मानो गाइस फार्मस को भी पीछे कर देगी अगर आप उसे बॉडी में मारते हो तो। सुबह मैं आपको बताने वाला हूँ डिसेड ईगल से हेड शॉट कैसे मारा जाता है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक है और क्या क्या कस्टम में जुड़ी है। कस्टम में जुड़ी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन आज मैं सिर्फ बताने वाला हूँ उसी कस्टम एच डी से डिसेड ईगल का हेड शॉट। सुबह वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को उसकी मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रेनिंग ग्राउंड आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड में भी आपको जो कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है गाइस, इस तरीके से गाइस स्टार्ट कर दोगे तो खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल देते हो, गैस याद रखना कोई भी आपके हाथ में पैन हो मतलब कटाना कुछ नहीं होना चाहिए, बस आपको सिंपल ही रहना है, अपना फिस्ट लेकर लेना है। तो हमें लेनी ईगल, ईगल लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, किसका मदर लगा लेना है, लेवल 3 का मदर लगा लेना है। तो मैंने मदर लगा लिया, आपको क्या करना है। सो गाइस एक तो होता है पीक लेकर मारना और एक होता है मूवमेंट के साथ और एक होता है रोटेशन और एक होता है मतलब वाइट कर मारना। सो गाइस ये 3 जो है ये आपको मतलब बताने वाला हूँ कॉस्ट और डिवाइस का भी बहुत मैटर करता है गाइस, कि आपके पास डिवाइस कौन सा है, 2 GB रैम वाला है, 1 GB रैम वाला है, वो सब बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस फर्स्ट हम बात करने वाले हैं जिसके पास 2 GB या 1 GB रैम का फोन है, तो उसके लिए तो गाइस एक ही चीज़ है, वो है गाइस पिक। पिक कुछ इस तरीके से ले जाता है, पिक का हेड शॉट मैं आपको बता दूँ। पिक के लिए हमें पहले एम को गाइस छाती के मतलब छाती के आसपास रखना होता है, अगर पिक लेना है आपको मतलब खड़े रहना है, एक जगह मूवमेंट करते रहना है इस तरीके, मतलब एक जगह खड़े भी नहीं रहना तो सामने वाला बंदा आपको भर देगा, आपको मतलब खड़े भी नहीं रहना, मूवमेंट करते रहना और आपको क्या करना हल्का तो गैस ज़्यादा आपको हेड पे जाकर लगेगा, ये होता है पिक लेकर गाइस। पिक लेकर मारना कहते हैं भाई, बहुत फायदा बनी गाइस, हर होता है ये हमारा यूज़ कर सकते 400-500 का इसका हेलमेट लगा लेते हैं हम, कुछ वाला हेलमेट जो कि 200 गाइस। देखो गाइस पहले आपको क्या करना है, मतलब एम को पहले रेड करना है, रेड करने के बाद मूवमेंट करना, मूवमेंट करने के बाद हल्के से डायरेक्ट ये गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पर छोटी लगेगा, छोटी छोटी लगेगा गाइस। एम को जो है रेड करना, एम तो हेड शॉट लेवल लगेगा गाइस जहाँ तक कम। ये गाइस 2 GB और 1 GB जो कि गाइस बहुत परेशान है अपनी जिंदगी से। सो गाइस ये तो 1 GB रैम वाले, अब मैं आपको बता दूँ 4 GB रैम वाले, 4 GB रैम वाले में भी आप पिघले का मार सकते हो गाइस, मोबाइल से बहुत मतलब आपको सेंसिटिविटी पहले कर दूँ, सेंसिटिविटी जो आपको 100 रखनी है, क्योंकि आपके पास डिवाइस चाहे कोई सा भी हो, 1 GB रैम वाला हो कोई सा भी हो, लेकिन आपको सेंसिटिविटी हमेशा हाई रखनी है, मतलब जनरल भी शो कर देना, अपने रेड डॉट को भी शो कर देना है। सो मतलब 100 सब कर देना है। कस्टमर ड्यूटी आप तो पता ही कुछ इस तरीके की मैंने बता दी है अपने पिछली वीडियो में, 2 वीडियो बनाई है वो आप वहाँ से आकर देख सकते हो। अब बताता हूँ 4 GB रैम के फोन में, 4 GB रैम के फोन में मूवमेंट के साथ गए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप मार सकते हो। एम को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब वाइट करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब बंदे का आगे पड़ेगा तो डायरेक्ट हेड शॉट ही जाएगा, हेड शॉट ही जाएगा अगर आप वाइट जाएगा, देख सकते हो आप मतलब एम पूरा आस पास में आएगा। आपके पास 4 GB रैम वाला फोन है, मूवमेंट कर लेंगे गाइस, मूवमेंट से बहुत मुश्किल है 4 GB रैम में, आपको क्या करना है एम को वाइट रखना है, वाइट रखना है, वाइट रखना है, मार देना है 4 GB रैम वाला। 4 GB रैम में गाइस आपको पिक लेके दिखा, पिक लेके भी आप बहुत अच्छा मार सकते हो, रैम से अच्छा मार सकते हो। मैं अपने फोन आप 4 GB रैम में गाइस पिक, क्योंकि पिक आपके हर डिवाइस में मतलब पिक गाइस कोई भी पिक ले लेते हो, या फिर जाकर कोई भी बंदा शॉट मार सकता है, आप जिगजैग की पॉइंट आती है तो उसको भी मार सकते हो, जिगजैग राइट स्टार मारता है। वैसा गाइस 4 GB रैम वाला मतलब वाइट रखकर और पिक लेकर जो है मार सकते हो, 4 GB रैम वाला 2 GB से थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा जल्दी लग जा रहा है।
अब बात कर लेते हैं जिसके पास 6 से 8 GB रैम तक है। जब 6 से 8 GB रैम तक है तो आप कैसे ही मार सकते हो गाइस, मतलब मतलब एम को अगर दोहरे भी चिपका लोगे ना इस तरीके से आपका हेडफोन लग जाए। मेरे पास भी 8 GB रैम वाले एम को भी चिपका लोगे ना गाइस ज़्यादा हेड चोटी लगेगा। हाँ कितनी भी क्लोज रहना बंदा आ भाई भाई गाई आपका मतलब वो है वो एकदम घूमने लगेगा। बस आपके लिए वो है गाई जनरल को आपका हेड चोट भी जैसे गाइस आप लग रहे हैं। तो गाइस अगर आपके पास 6 से 8 GB रैम तक का तो कैसे ही मार लेकिन मार तो क्लोज तो बंदा आया उसकी भेड़ लगा दोगे गाइस। टीचर डीगल से नहीं कहीं डीगल से 1 फुट तो गाइस फोर गन हो कोई सी हो एम डैन हो